इंटरेस्टिंग है क्या? इसे गाइस इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। आहत की तो ऑलरेडी एक शादी हुई हुई थी, तो ये वधू कहाँ से आ गई? और यार वधू इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, ये अंदर की बात है। अब क्या करें, क्या जवाब दूं इस चीज का? यार इन लोगों को अंदर की बात है कौन बता रहा है? यार खैर अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं क्लियर बताऊँगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूँ। तो हाँ भाई मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है, और इससे भी मेरी शादी हुई है। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई नो तुम लोगों को मेरी शक्ल नहीं पसंद है, तुम लोग बोले यहाँ पे आहत क्यों नहीं है, तो बहुत अच्छे से बोलता है। बट आहत इस वक्त मैं मेकअप सही लग रहा है, काजल ठीक लग रहा है, मुंडी तोड़ूँ तो गाइस अभी हम लोगों ने आहत का है मुतसम को तैयार, एंड मुतसम रो रहा है क्योंकि वो नींद से उठाएगी, उसको चेंज करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग फिर रहे हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं। आजकल आहत ना बहुत बुरा हो गया है, आहत डोंट नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कौन बाहर कौन गया? कोई भी नहीं गया, मुझे चाहिए सोना चांदी बंगला गाड़ी, कब दिलाओगे? सोना चांदी तो आम सी बात है, कभी भी ले लो। चलो अभी चलें फिर सुनार के पास, सुनार का कोई नहीं। चलो गाइस इतना प्यारा आहा भी उतरना नहीं चाहिए तुम्हारे गले से, कभी भी नहीं। इधर देखो चले को पैंट भी बना रहा, ये पैंट पहन रहा, मुझे उलझन हो रही है। चले बेबी अच्छा मुझे सुन के पैंपर भी लाने, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना वॉशरूम जाता है, मतलब वॉशरूम जाता तो पैंपर नहीं आते। ओए माँ क्या हुआ? अच्छा देखो मैं जा रही हूँ, देखते कि मुझे बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलो गाइस हम निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अब जाके कमर सीधी करी है यार, हालत खराब हो जाती है यार, बाहर जाओ। है मेरी जान, चलो यार थकान मेरी खत्म हो गई, मैंने खाना सब खाया था। आओ मेरी जान आओ, तुमसे पूछ रही हूं, देर हो गई, क्या हुआ? भूख लग रही है, जाओ थकान के बाद तो जाओ, मुझे क्यों पूछ रही हो? तो यार सीन ये है, हाँ यार काम का मत बोलना वल्लू, अभी जस्ट आके लेटा हूँ यार। तुम्हें दो काम देते हूँ, उनमें से जो तुम चूज करो। क्या मतलब, मैं एक भी नहीं करना चाह रहा और ये मुझे चॉइस दे रही हो? वाह तो क्या बात, ये जो है ना, ये जो लाओ थूको, क्या खा रहे? सिक्का हटाओ यार, बार बार मुंह में ले रहा है, इतना प्यार है, बोलती हूँ थूको तो हाथ में ले लेता है। तो पैंपर चेंज करूं या फिर रोटी तल के दे दूं, मतलब काम करवाना है भाई। मैं खाना दे देता हूं और उसको भी मैं ही चेंज करवा देता हूं, ठीक है? रुक जा, अरे मेरी जान मेरे शहजादे, चल हट जा, अरे अपनी अम्मा के पास बैठ, मैं आ रहा हूँ चाय बना के, चलो आई चना चेंज कर दो। अच्छा इसको हटाओ, अबे छोड़ दे, अबे यार ये करता है छोड़ता ही नहीं, तुझे कहाँ लेके जाऊँगा मेरी जान, चलो आ जाओ यार नाश्ता वाश्ता बना के देते हैं इसको, चाय और रोटी तल के। यार चाय तो तकरीबन रेडी हो गई है, बाकी बात है यार आपका भाई ना हर काम सारे प्रोफेशनल तरीके से करता है, मतलब सारे काम ऐसे आते हैं कि मैं वो काम शुरू कर सकता हूँ, नहीं कर मेरी जान लग जाएगी।
और चाय रेडी हो गई है, अब रोटी तलने की बारी है। लो जी, तो भाई अपनी रोटी जो है वो तलने के लिए मैंने रख दी है। ये रोटी तल जाए फिर बेगम साहब के आगे पेश करते हैं और फिर सुकून से सो जाते हैं। अच्छा, सोने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लेट हो गया है, बाकी जो हमारा Q&A जो है और हमारा ब्लॉग जो आगे का है वो सुबह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी लेट हो चुका है, अभी आगे का ब्लॉग पूरा हो नहीं सकता, फिर ब्लॉग कल ही पूरा होगा। तो अभी नाश्ता रेडी करके बेगम साहब के आगे पेश करते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। अच्छा, तो भाई सीन ये है, अपना स्पेशल Q&A जो है उसको स्टार्ट करते हैं। यार, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब कंटेंट क्रिएटर के पास कंटेंट नहीं रहते हैं ना, तो फिर वो Q&A करता है। वैसे बिल्कुल यार 100% सच्ची बात बोली है। जब कंटेंट क्रिएटर के पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है ना, तो वो आखिर में फिर आता है Q&A के ऊपर। ये है आपका वो ये बिल्कुल हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा। तो चलो अभी अपना Q&A जो है इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो भाई आ लो, पेश किए जाएं सारे सवाल और हमारी इज्जत में जो बहुत ज्यादा इजाफा किया है लोगों ने वो सारे पेश कर दो। तो यार सीन ये, अभी तक हम लोगों ने ऑनेस्टली बताओ, हम दोनों ने अभी तक कोई क्वेश्चन देखे नहीं है। तो जो भी होगा आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के सामने रखते हैं। ओके, तुम निकाल लो, कोई मसले आने वाली बात नहीं है मेरी जान। अच्छा, Q&A जो है ना पूरी फैमिली के साथ होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आज बिठा दिया साथ में। ओके, ट्रस्ट नहीं है ना तुम्हारे लिए। गाइस, आहत के लिए मेरा सवाल नहीं है। आहत ने ऐसा क्या, तुम आके बैठो ना, मैं सवाल पूछूंगी। चलो बैठो और इसको मुझे दो। ओके, आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि आपने 17 साल की बच्ची से शादी कर दी है? यार सीरियसली बताऊं, मैं इस बंदे को रोस्ट करना चाहता हूं, लेकिन यार मैं अपनी फैमिली से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, तो मैं रोस्ट करना नहीं चाहता। और इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं। या हम लोगों का जब हम लोग मिले थे तो शादी वादी का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद चलते चलते हमारा इरादा बना शादी का, और फिर हमने फैमिलीज वगैरह से बात करी, मेरी फैमिली नहीं इसकी फैमिली की तरफ से बात करी, क्योंकि मेरी तरफ से तो बड़ा कट्टर वाला मामला था। तो फिर सब कुछ राजी खुशी हुआ और फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम से शादी करी। अब ये मेरे लिए अच्छा, तो वलू आपके लिए सवाल है, सलाम, कभी इन लॉज ने आपके हस्बैंड के कान भरे हैं? इफ यस, सो हाउ यू डील विद? अकेला बोलूंगा तो पहला जाऊंगा। नहीं गाइस, ऐसे ऐसा कुछ ऐसे जुआ नहीं कि हम लोग हम जॉइंट फैमिली में रहे नहीं हैं। तो हाँ, अगर कभी कुछ उन्होंने बोला है तो वो एक ही बात कि तुम्हारी बीवी बहुत लड़ाका है और सबसे लड़ती रहती है। तो हाँ, यही बात तो हाँ, मतलब हर ससुराल में बातें होती हैं, मेरी तरफ से होती है, मेरे घर वालों की वजह से होती है, आहत की फैमिली से होती है, सबके फड्डे तो होते हैं। कोई ऐसा ससुराल नहीं आप कोई बहू बेटी बनती नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं उनके घर शादी होकर लौटूंगी तो वो मुझे बेटी को कितना रखेंगी, हर सास आपको बहू की तरह ही रखेंगी। और अभी ज़्यादा नहीं बोल सकती, पड़ोसी बराबर में खड़े हैं गाइस, पड़ोसियों की नज़र इधर मेरे ऊपर ही है। ओके, चलो ये सवाल भी आप ही के लिए है। विल यू मैनेज ग्रैंड पार्टी ऑफ मुर्तसिम बर्थडे? नहीं गाइस, बिकॉज मुर्तसिम अभी बहुत छोटा है, ठीक है, मुर्तसिम अभी बहुत छोटा है, उसको अपनी एक साल की बर्थडे तो याद नहीं रहने वाली। और इट्स बेटर कि अगर जो ज़रूरतमंद है बंदा उनको खाना दे दे या उनके घर में राशन ला दे, इट विल वे मोर बेटर। लेकिन मैं ये नहीं बोली कि हम उसकी बर्थडे कभी करेंगे नहीं, इंशाल्लाह जब वो 2-3 साल कर तो। अच्छा, तो यार सीन ये, मैंने हम दोनों ने ये सोचा हुआ है, हम लोग अभी अपने एक दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, वो इरादा तो यही है, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी। अगर जो भी होगा मैं आप लोगों को घर भी सारा दिखाऊंगा, प्रॉपर ब्लॉग बनेगा। तो अगर वो घर में हम लोग शिफ्ट हो गए तो अच्छी पार्टी हम लोग थ्रो करेंगे, सिर्फ फैमिली फैमिली होगी हमारी। ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग है,
गाइस इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। आहत की तो ऑलरेडी एक शादी हुई हुई थी तो ये वधू कहाँ से आ गई? यार बोलूं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है ये अंदर की बात है। अब क्या करें, क्या जवाब दूं इस चीज का? यार इन लोगों को अंदर की बात है कौन बता रहा है? यार खैर अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं क्लियर बताऊँगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूँ। तो हाँ भाई मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है, और इससे भी मेरी शादी हुई है और तकरीबन मेरी 10वीं शादी इससे हुई है। हाँ और इससे पहले मेरी कई शादी हो चुकी है, ठीक है, और ठीक है आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, यार मेरी को कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। यार सीरियसली मैं आपको बताऊं, क्वालिफिकेशन में मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया। इंटर पास किया है मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया, और इंटर भी मैंने ऐसे पास किया कि मतलब मेरा दिल नहीं था पढ़ने का, बस वो प्रेशर के आके मैंने वो पढ़ाई की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज था, बिज़नेस कर रहा था मैं, सब कुछ था, मैंने बोला यार मुझे ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई और स्टडी ऐसा है कि बस आप उन लोगों की जेबें भरते जाओ, आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जो नॉलेज है वो कहीं और से भी हासिल हो सकती है बाकी चीज़ों से। मोर बेटर कि आप किसी दूसरी लाइन में जाके वो अपनी नॉलेज बढ़ाओ, सुना की नहीं है। जो कि आप पढ़ाई करके, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा भाई आप पढ़ो, सही है, अब ये नहीं हो कि मेरी बात सुन के कोई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, तो भाई प्लीज़ पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम दोनों के लिए जगह ओके। हाँ मैंने स्ट्रगल्स यू फेस टू डू लव मैरिज, प्लीज टेल एवरीथिंग। अलॉट बहुत सारा, बहुत सारा जाएंगे अगर मैंने सब बता दिया तो। यार स्ट्रगल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, स्ट्रगल तो हमारी ऐसी भी स्ट्रगल आ चुकी है कि हमारे सर पे छत भी नहीं थी, तो स्ट्रगल तो अच्छा, खत्म है। एक इसमें जब सवाल था ये यूट्यूब का था, हाँ। कि अगर ऐसा था, अगर आपके पास इतना पैसे नहीं थे तो आपने वलू की रुखसती क्यों करवाई? इसे पॉइंट है लड़की तेरी बात है, वैलिड सवाल है। तो यार मैं आप लोगों को इसका भी सिंपल जवाब देता हूँ, उन दिनों सेविंग वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई थी, लेकिन टाइम गुजरने के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद मेरे हालात थोड़े से टाइट हुए, क्योंकि बाद मुझे जो है सपोर्ट नहीं था कहीं से भी, सपोर्ट हाँ, मेरा काम भी छूट चुका था, और जाहिर सी बात है मेरे पेरेंट्स भी सबको, सब मेरे अगेंस्ट ही थे, और किसी को भी इससे, मैं अपने घर पे स्टे नहीं गई थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने कह रही थी अपनी पसंद से कर तो रही, कल को कुछ भी हमारे घर पे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार अच्छा बुरा जैसा भी देखा हम दोनों ने साथ मिल के देखा, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अपने कंसीलर कहाँ से लिया था? यार वो हम लोगों ने कंसीलर वहाँ से लिया था, नहीं, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, बोल्टन मार्केट से लिया था। हाँ। बोल्टन मार्केट आप जाओ, अगर कोई भी ब्रांडेड चीज़ चाहिए, कोई भी अच्छी से अच्छी ब्रांड की चीज़ चाहिए, आप बोल्टन मार्केट जाओ और वहाँ से बाय करो, अच्छे पैसों में आप लोग को होल सेल रेट पे मिल जाती है। हाँ आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन खैर है ले लिया करो यार। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड योर सन्स नेम, प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज आई डोंट स्पीक। इसका सवाल का जवाब तो पहले भी दे चुके हैं, ये वो ड्रामा देख रही थी उसी वजह से। आई यूज्ड टू वॉच द ड्रामा व्हिच इज नेम, क्या नाम था उस ड्रामे का, पता नहीं, कोई पठानों पे बना हुआ था, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है, दैट गाय नेम एज मुर्तसिम, एंड मैंने जब वो नाम सुना आई लाइक दैट नेम सो मच गाइस, वो गाना बोलो नाम बहुत अच्छा था, और सबसे ज़्यादा उसके नाम के आगे मुर्तसिम खान था, तो तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आहद अभी क्या काम करता है? अच्छा अभी मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, हकीकत बात बताऊँ मल्टीपल काम है मेरे, एक तो ऑनलाइन काम चल रहा है मेरा, और इसके अलावा मैं रिटेल भी खुद भी कर रहा हूँ, मार्केट में जाके खुद रिटेल भी कर रहा होता हूँ, और फिलहाल ऑनलाइन भी चल रहा है। okay. और अभी
ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल काम है। मैं एक चीज क्या पता इसको जिंदगी में क्या करना, मल्टीपल काम है तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। पर्सनल है, ओके। व्हेन यू आर गोना मेक योर सेकंड चाइल्ड, अभी बच्चा हुआ भी नहीं था, इन लोगों ने मेरी जिंदगी गले में आ गए थे ये लोग मेरे। यार देखो, पहला बच्चा भी तो अल्लाह पाक की तरफ से ही होते हैं सारी चीज़ें, हमारी तरफ हमारे हाथों में तो कुछ नहीं होता। तो वो भी बस हम लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया, हम लोग अभी ये बच्ची थी इसको थोड़ा ग्रो होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें खुश हैं। लेकिन अभी हम लोगों को टाइम चाहिए, 5 साल, हाँ एटलीस्ट 5 से 6 साल हमें चाहिए, ताकि इसमें मैं भी कुछ बन जाऊँ, सही है, कुछ इतना कर लूँ कि इसके लिए, बच्चे के लिए, सबको। 3 बेटे चाहिए इंशाल्लाह, वो अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने 3 बेटे लिखे हैं या आगे 3 और बेटियाँ लिखी हैं, जैसा भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी, 1 बेटा बाकी 4-5 लड़कियाँ, जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी। किस एज में शादी हुई थी? मैं एम में शादी हुई थी, मैं 17 की थी। हाँ, आपकी लव मैरिज थी? बिल्कुल लव मैरिज थी यार, ये तो सभी को पता है। आपकी लव स्टोरी क्या है? लव स्टोरी सवाल किए हैं। लव स्टोरी के 2 व्लॉग हमारे पोस्ट हुए हैं, लव स्टोरी 1, लव स्टोरी 2। वैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पास्ता की रेसिपी हम लोगों ने पहले शेयर की है, लेकिन बलू दोबारा पास्ते की रेसिपी जो है वो शेयर करेगी। और ऑल्सो चिकन टिक्का रेसिपी भी। यार चिकन टिक्का मैंने आज तक बनाया नहीं है ना। चिकन टिक्का नहीं बनाया, बनाऊंगी। मुर्तसिम की बर्थडे कब आती है? 2 जनवरी को आती है ना। 2 जनवरी इसको क्या पता होगा, उसको अपनी बर्थडे नहीं याद है। 4 महीने मुझे अपनी बर्थडे याद है। व्हेन इज योर एनिवर्सरी? ये आपके लिए आया कि हमारी एनिवर्सरी कब आती है? मैं जब आएगी तब देख लेंगे। अबे यार वलू, मैं जा रही हूँ। यार ये क्या मजाक है यार, तो मैं इसे मार देती हूँ। कब आती है एनिवर्सरी? यार जब आएगी तब बता दूंगा ना। बता दे कब आती है। वलू जान, जब हिंट दे दूँ? हिंट मेरे को हिंट की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है तुम्हारी बर्थडे कब है। मेरी बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी। तुम्हारी बर्थडे, तुम्हारी एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी, सब मुझे याद है मेरी जान। भी बता दे कब है। मैंने सरप्राइजेस सोचे हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ओके गाइस, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। आप मुझे ये बताएं, आपने अपने पार्टनर के घर में जब बताया था उनका क्या रिएक्शन? खतरनाक रिएक्शन था, खतरनाक ना। लाइक मैं पहली बार तो उसके घर में नहीं जा रही थी, मैं डर रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। ऑफकोर्स मतलब बहुत डिफरेंट है, मेरा घर बहुत डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है आप नए लोगों से मिलते हो जिनका बेटा ऐसा। बहुत वो हो जाती है ना, आपके माइंड सेट ही नहीं मिल रहे होते। आपकी रिसेंट तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बिल्कुल इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दे। नहीं करो। अच्छा, अगर आप मर जाओ तो फिर आपके क्या प्लान्स हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, आपके बेटे और शोहर के लिए। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी गाइस कि मेरा शोहर दूसरी शादी ना करे, तो उसको बहुत हेट दिया जाए, हद से ज़्यादा हेट दिया जाए, और मेरे बेटे को कोई मेरे जैसी बीवी ना मिले। तुम दुनिया में एक ही पीस हो, अगले आने वाले हजारों साल तक तुम्हारे जैसा पीस आएगा ही नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहें, आहा दिन वाली है वो, तो क्या होगा? मैं अपना इंस्टाग्राम नहीं बनाना चाहूँगी। वहीं से तो मिले थे हम लोग यार, ये लगवानी में तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहूँगी। अच्छा क्या पूछो? यही उसने पूछा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहोगे पीछे का। यार मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ चेंज करना हो, अपनी नाक, नाक नक्शा बहुत अच्छा है भाई, मैं वो चेंज नहीं करना चाहता। आंखें बड़ी करेगा यार, क्या मेरी लाइफ बहुत अच्छी है यार, मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, मस्त लाइफ है मेरी। कैसे बोला, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत मस्त है। आहत के अब्बू भी क्या आहत की तरह ही दिखते हैं? यार माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है वो। मैं बहुत काला हूँ,
मैं अपने खानदान में बहुत काला हूँ, वरना हमारे में ऐसे ऐसे गोरे हैं। हाँ, मैं पूरे घर में सब में काले हैं। एक कितनी बार पूछोगे, पूछते रहते हो। अपने बच्चों को टाइम पे कैसे सुलाती हो? टाइम पे सुलाती ही नहीं है हम लोग। जब उसकी मर्जी है वो सोएगा, जब उसकी मर्जी है वो उठेगा। भाई नहीं सोता गाइस, वो कभी कभी तो ऐसा होगा कि वो 11 बजे सो जाएगा, फिर सुबह 2 बजे तक सोता। नहीं भाई, मर्जी उसकी, हमारी मर्जी नहीं। ये अच्छा, ये अरूबा, मैं नाम नहीं लेना, पता नहीं मैं ये लिखा, अब तो सच बता दो बहन कि मैं प्यारी हूँ। लाइक द फैक्ट यू आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ राइट नाउ। यार इसका जवाब मैं देता हूँ, इजाज़त हो आपकी। सिंपल सी बात है, लाइफ हमारी, ये जो ज़िंदगी की जो जर्नी होती है ना, ये हर वक्त एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हॉल है, ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, और इसमें हर तरह के एग्ज़ाम्स आते रहेंगे। आपने उस एग्ज़ाम्स में बैठ के उसको पार करना है। अब उसमें अगर आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो यार आप तो फेल पे फेल होते रहोगे ना यार, टेंशन में से ही मर जाओगे। तो यार बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं, उनको फेस करो और उसको हंस के उन चीज़ों को ना फेस करते हुए आगे बढ़ो। इसमें ज़्यादा इतना सोचो मत। अच्छा, तो एक सवाल आया जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, हमसे ही पूछा है कि आपकी YouTube की इनकम कितनी है। यार अगर मैं सच्ची, मैं आप लोगों को अगर सच्ची बात बताऊँ ना, यूट्यूब की नहीं नहीं रुक जाओ, बाद में दिखाओ, मैं पहले बता देता हूँ सच्ची बात बताने दो। खैर यूट्यूब की इनकम हम लोगों ने अब तक रिवील की नहीं है, मैं चाहता भी नहीं था इसको रिवील करूँ। मैं करना चाहती हूँ, हम रिवील करना चाहते हैं। हफ्ते की इनकम सिर्फ हफ्ते की दिखाते हैं, महीने की तो। सर यूट्यूब की इनकम इतनी है कि हम लोग महीने का एक बेंगलू ले सकते हैं, और 4-5 गाड़ियाँ तकरीबन ले सकते हैं। मजाक नहीं कर, बड़ी गाड़ियाँ, मजाक कम बता दिया क्या मैंने? गाइस मैं तुम लोगों को दिखा देती हूं, फजूल के जोश करा। हाँ, मैं एक एक घर ले सकते हैं, मतलब हाँ। जो एक CR का हो, 1 CR का, और 2-3 गाड़ियाँ हम लोग ले सकते हैं अपने यूट्यूब में इनकम। मत सच मत बताना, बोले छोड़ दो। अभी तो निकाल के लाया था, बोलू क्यों दिखा दिए तुमने? अभी ATM से 100-100 का नोट, करक नोट निकाल के लाया था मैं यार। चलो यार, तुमने सारा मर्जा किरकिरा कर दिया यार, हटो यार, मैं जा रहा हूँ। ओके जी, तो यार सबसे पहली बात, कैसा लगा आप लोगों को हमारा स्पेशल Q&A? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्पेशल Q&A अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जितना हो सके उसको शेयर कर दो। और यार बाकी सीन ये है, जितने भी नए आने वाले लोग हैं ना, बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो ना, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके वीडियो देख लिया करो। आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, फायदा करा दो भाई का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, कमेंट में कुछ भी लगा। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।